स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज 24 में। मैं हूं नूपुर सिंह और आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पीएम मोदी आज और कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान में होंगे। इस दौरान सबकी निगाहें पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर टिकी होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्वालियर को बड़ी सौगात देंगे, जहां वे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए आज है नामांकन की अंतिम तिथि। आपको बता दें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार काम की विशिष्टता के आधार पर दिए जाते हैं। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हिमाचल सरकार आज होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों व पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आज होगी सागौन की लकड़ी की नीलामी। विभाग को 1 करोड़ का राजस्व की प्राप्ति की है संभावना। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव करवाने की मांग को लेकर आज गोल्डन टेंपल के बाहर समर्थकों के साथ प्रदर्शन करेंगे एमपी सिमरनजीत सिंह मान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच आज अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा करेंगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत सभी वित्त क्षेत्र के नियामक शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में होने वाली असम के 5 आदिवासी उग्रवादी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने देश भर के 339 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें 131 उत्तर प्रदेश के हैं। आयोग ने कागजी पाए गए उत्तर प्रदेश के 20 राजनीतिक दलों को डी लिस्ट यानी सूची से बाहर किया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के 111 दलों को निष्क्रिय घोषित किया गया है। बेगूसराय में गोलीबारी को लेकर सियासत तेज। चिराग बोले, मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा है बिहार। अब दिल्ली में सबको नहीं मिलेगी फ्री बिजली सब्सिडी, अलग से करना होगा आवेदन। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान एवं पूर्व डिप्टी सीएम बहीबल कलान गोलीकांड में पेश होने के बाद आज कोटकपुरा गोलीकांड मामले में एसआईटी के समक्ष पेश हुए। बता दें कि जब यह कांड हुआ था तब सुखबीर गृह मंत्री थे। हरियाणा में एकत्रित हुए 30 मुर्दे, एक की उम्र 102 वर्ष। घोड़े पर बारात लेकर रोहतक एडीसी कार्यालय पहुंचकर बोले, मैं जिंदा हूं। मुस्लिम से हिंदू बने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड बुधवार शाम जमानत पर हरिद्वार जेल से रिहा हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मदरसों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का झारखंड कनेक्शन, एनआईए ने 4 नक्सलियों को रिमांड पर लिया। लद्दाख की सड़कों पर दौड़ने लगे इलेक्ट्रिक वाहन, कार्बन न्यूट्रल बनाने के सपनों को साकार करने के लिए शुरू हुआ काम। बंगाल कोयला तस्करी मामले में 15 अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। मुंबई में पुलिस के नियंत्रण कक्ष के सहायक पुलिस निरीक्षक को महिला पुलिस निरीक्षक का पीछा करने और उसे मैसेज भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने आरोपित को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में 100 से ज्यादा बाघ, पैंथर व काले हिरण की संख्या में भी हुई वृद्धि। संजय भारती की रिपोर्ट। बीना में भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में हिंदी दिवस के अवसर पर कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भोला सिंह ने कहा, हिंदी जनमानस की ही भाषा है। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर कूरेभार कस्बे में तेज रफ्तार ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 स्थानीय लोग की मौत हो गई और आधे दर्जन लोग घायल हो गए। चंदन कुमार की रिपोर्ट। मिश्रोली हरना टाण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार के सचिव देवेश सहरा ने लिया स्टार्टअप जोन एवं बुनकर भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का जायजा। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।